हेलो राधे राधे, मेरा गला फंस गया है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं घूम रही हूँ। घूम के मैं अपना पूरा रूम आपको दिखा रही हूँ। इतना जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, तो स्टॉप, नहीं तो मुझे चक्कर आने लगा। तो हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे अभी हूँ। और मैं जा रही हूँ आज साड़ी में फाल लगाने के लिए। ये देखिए साड़ी का हालत देखिए, मेरी ये अलमारी का ही हालत देखिए, ये भी अलमारी किसी दिन लगाऊंगी। तो ये वाली साड़ी जो है ना, इसमें फाल लगाना था, ये वाली साड़ी में, तो इसमें फाल लगाना है। तो सोच रही हूँ ना इसी में फाल ही लगा लेती हूँ। तो चलिए फाइनली फाल लगाते हैं। काम तो बहुत सारा है लेकिन आज फाल ही लगाऊंगी। और मैं देखती हूँ ये लोग स्कूल से आ गए हैं, और शिवांश का, श्रेयांश का, इन लोगों का देखिए, इन लोगों का समर वैकेशन चालू हो गया, इन लोगों का एग्जाम खत्म हो गया है। और ये देखिए शिवांश सोफा पे ही सो गए हैं, देखिए बेचारे सो गए ऐसे बिना कपड़े का। और यहाँ पे श्रेयांश नीचे जमीन पे लोटे हुए हैं, लोटे पोटे हुए हैं। क्यों नीचे लोटे हो? क्योंकि ये देख रहे हैं टीवी। अब टीवी पर तो बहुत देर से देख रहे, चलो पढ़ाई कर रहे हैं। डैडी मोबाइल रख के गए थे पढ़ने के लिए ना, ले जा रहे थे तो मैं नहीं ले जाने के लिए। तो बस ये लोग देख रहे हैं टीवी, ये लोग नहीं बस श्रेयांश ही देख रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ फाल लगाने के लिए साड़ी में, तो चलिए लगाते हैं। ये वाली साड़ी तो आपको याद होगी ना, ये बहुत पहले मैं इसका लैस लगाई थी, तो लगा के तब से मैं रखी थी। फाल लगाना रख गया तो फाल भी लेके आ गई थी, लेकिन मन नहीं हो रहा था, तो आज सोची चलो इसमें फाल लगा ही देती हूँ। तो फाइनली देखिए फाल लग ही गया है। अब इसको मैं रख देती हूँ, अब पहनने को काम आ जाएगा। फाल लगा रहता है तो पहनने में अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं इसमें फाल भी लगा दी हूँ। अभी इसको मैं रख दे रही हूँ। और ये शिवांश श्रेयांश का ड्रेस था। अभी छुट्टी हो गया है आज से इन लोगों का, अब इन लोगों का स्कूल खुलेगा जून में। तो अभी मैं सुबह कपड़ा धो के नहा ली थी तो आए थे, तो बस ड्रेस ही रख गया था, इसलिए अभी मैं सोची इसको हाथ से ही धो के रख देती हूँ। तो देखिए पूरा धो दी हूँ, धो के अभी मोजा वोजा सारा है, धो के रख देती हूँ। और अभी शाम का टाइम, शाम नहीं मतलब अभी 3 बज रहा था, हमको लग रहा है 3-4 बज रहा है, तो झाड़ू लगाने का भी टाइम हो गया है, तो चलिए झाड़ू भी लगा लेते हैं। और श्रेयांश जा रहे थे नीचे तो ये भी मुंह धो रहे थे, देखिए बाल उल पूरा भिगो लिए। तो वैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो पूरा बाल उल भिगो लिए थे। देखिए इनके मस्ती देख लीजिए। जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, अभी सब्जी लेने का टाइम भी हो गया है, 6 बज रहा है, तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या लाना है सब्जी में। क्या खाना है श्रेयांश? भिंडी। भिंडी श्रेयांश का फेवरेट है, भिंडी। ये मेरा पतला पतला बाल, यहाँ पे आके बहुत बाल गिर रहा है, देखिए कितना पतला हो गया। एक छोटी इतना पतला है, दो छोटी बनाएंगे तो कितना पतला होगा। बहुत बाल निकल रहा है, यहाँ का पता ना पानी कैसा है, बहुत बाल निकल रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं सब्जी लेने के लिए। सब्जी का टाइम हो गया है, लाने का टाइम हो गया, सब्जी का टाइम नहीं हो गया है, तो सब्जी लेके आएंगे फिर। और मैं अभी सब्जी लेके आ गई हूँ मार्केट से। तो ये देखिए मैं खरबूज छिल रही थी, इसको इधर ना खरबूज बोलते हैं, लाल वाले को तरबूज बोलते हैं, और नाशपाती जो ग्रीन वाली आती है ना, अमरूद की तरह रहती है, उसको नाशपाती तरह बोलते हैं, और इसको खरबूज बोलते हैं। तो वही मैं लेके आई थी, तो सुबह आधा का भोग लगाए थे
और ये आधा रखा हुआ था, तो अभी ये ऑफिस से आ गए हैं तो इन्हीं के लिए मैं काट रही हूँ। और ये देखिए सारी सब्जियां को काट लिए हैं। आज शिवांश को नहीं सूप पीने का मन था, तो यहाँ पे गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, पत्ता गोभी है, ये सब काट लिए हैं बारीक बारीक। लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का चटनी बना दिए हैं। और इधर देखिए कटोरी में कॉर्नफ्लोर का आटा घोल के रख दिए हैं और सारी सॉस को बाहर निकाल के रख दिए हैं। तो ये सब तैयारियाँ कर लिए थे, तो अभी चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। तो पहले तो अदरक लहसुन हरी मिर्च का डाल दिए हैं चटनी, थोड़ा सा तेल डाल के उसके बाद ये सब्जियों को डाल के और हल्का सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, और बाद में शिमला मिर्च को डाल देंगे क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है ना, इसको थोड़ी देर बाद डालेंगे। अभी हम केचप डालेंगे, तो ऐसे हम बोतल से ही डाल दे रहे थे, वैसे एक एक चम्मच सब डालेंगे। तो एक ग्रीन चिली सॉस डाली, रेड चिली सॉस डाली, और उसके बाद डालूँगी सोया सॉस, उसके बाद डालूँगी केचप, टोमेटो केचप डालूँगी, और ये देखिए एक ढक्कन विनेगर डाल दी हूँ। और सबको डाल के बस एक दो मिनट के लिए चला लेते हैं, उसके बाद जितना आपको सूप बनाना है उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम डाल दिए पानी आश्रयांश को पीने का, आज नहीं वो दो दिनों से बोल रहे थे सूप पीने के लिए, तो मैं ही थोड़ा सा हो जा रही थी, लेकिन आज सोची बना ही देती हूँ। तो देखिए अभी हमारा सूप बन के हो गया है रेडी, तो गर्मा गर्म सूप हो गया तैयार आज ये आप सभी पीने के लिए। और ये देखिए नए वाले बर्तन का उद्घाटन कर दिए हैं, नए वाला कटोरी का, ये स्पेशल सूप पोप के लिए ही लाए थे, सूप पीने के लिए, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। जब बाज़ार में हम लोग जाते हैं ना चाउमीन उमिन खाने तो या सूप पीने, तो ऐसे ही कटोरी में देते हैं लोग। और ये देखिए मेरे मोबाइल का वीडियो नहीं बना है, मेरा मोबाइल पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है, वीडियो ही नहीं बन रहा था, तो ये इनके मोबाइल से बना है, देखिए काला काला जैसा दिख रहा है। दो चार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे मोबाइल में, तो कैमरा ही मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों मोबाइल हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हो गया, पीओ लिए थे, अब आ गए हैं खाना बनाने के लिए, खाना भी खाना है। तो भिंडी गई थी मार्केट, तो श्रेयांश बोले थे भिंडी के लिए, तो मैं भिंडी लेके आई थी, तो मैं इनसे पूछी भिंडी का मसाला बनाओ या भुजिया, तो बोले मसाला। तो देखिए पहले भिंडी को भूज के निकाल ली थी, फिर आलू भुनी थी, उसके बाद इसमें सूखा ही बनाएंगे, तो मसाला वसाला डालेंगे। तो मसाला यहाँ देखिए पीस लिए हैं, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हरी मिर्च है, हरी धनिया है, मिर्चा का अचार, जैसे कि कलौंजी बनाते हैं ना, बस वही वाला मसाला भून लिए हैं, तभी हमारा सब्जी भी बन जाएगा। तो चलिए खाना खाते हैं, रोटी सब्जी। और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा मूंगफली ली हूँ, थोड़ा सा काबली चना और थोड़ा सा राजमा, सबको मिक्स करके भिगो दूँगी, ये बोल रहे थे खाने के लिए, तो इसको अभी भिगो के मैं रख दूँगी, सुबह फूल जाएगा अच्छे से ना, तो इसको उबालेंगे, उबाल के और इसमें मिर्ची उर्ची काट के, टमाटर प्याज ये सब काट के, और ऐसे ही बस खाएँगे, सब्जी नहीं बनाएँगे, बस ऐसे ही बॉयल खाएँगे ये। तो मैं और इसमें बादाम भिगो के रख दे रही हूँ दो चार, तो बस यही सब करके और सोने चलते हैं। तो चलिए आप सभी सो जाइए, मिलते हैं सुबह 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 उठ के। क्या कर रहे हो बाबू? गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। अरे ये सेंट उंट लगा के कहाँ जा रहे हो? नीचे। नहा लिए? हाँ। शिवांश नहा लिए, तैयार वार होके, अभी शिवांश बड़े हो गए है ना शिवांश, नीचे जाते हैं तो सेंट उंट पाउडर लगा उगा के जाते हैं। ये क्या है? ये तो लिपस्टिक है। लिप प्लस है। तो ये तो लड़की लगाती है, लड़के लोग थोड़े ना लगाते हैं। ये तो लड़के लोग थोड़े ना लगाते हैं। प्लस लिप बाम। लिप बम है। चलो ठीक है। लिप बम तो लड़की नहीं लगाती। ठीक है, नीचे जा रहे हो खेलने के लिए? हाँ, जल्दी से आ जाना।
साइकिल का चाबी चाहिए। हेलो बाय बाय, जल्दी में आना। बाय। अभी छुट्टी चालू हो गई ना, तो देखिए श्रेयांश नीचे खेल रहे हैं। देखिए बहुत तेज धूप भी था, अभी तो ठीक है। तो शिवांश गए थे, इनको चलाना है साइकिल और साइकिल में लगा है ताला, तो ये अपने से खोल नहीं पाते हैं। तो देखिए श्रेयांश के पास दौड़ रहे हैं साइकिल खुलवाने के लिए, ताला खुलवाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। बहुत तेज नीचे धूप हो रहा है। अभी तो उधर थोड़ा सा धूप कम है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन अभी धूप में सबकी छुट्टी हो गई है ना, तो धूप में ही बस खेलना चालू हो गया है। मैं श्रेयांश को बोली थी कि मत जाओ, लेकिन माने नहीं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, तबीयत भी ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए शिवांश को, ये भी चलाने में मस्त है साइकिल। पाँच दस मिनट चलाए थे, फिर मैं ऊपर से बुलाई थी इन लोगों को, फिर आ गए थे। उसके बाद देखिए मैं जा रही थी खाने के लिए दही और रोटी। और यहाँ पे देखिए संडे की पार्टी हो रही है। मेरे भैया आए हुए हैं, तो ये आए थे तो यहीं से ऑर्डर किए थे काजू अंजीर थिक सेक है, काजू अंजीर थिक सेक की पार्टी हो रही है। किस खुशी में पार्टी हो रही, कोई खुशी उसी नहीं है, बस ऐसे बैठे बैठे मैं ही बोल रही थी ना, ऐसे बातें करते करते मैं इनसे बोली ना कि मुझे काजू अंजीर बहुत पसंद है, तो ये बोले कि रुको मैं अभी मंगाता हूँ, तो यही मंगाए थे। तो बस अभी पी के हम लोग मज़े ले रहे हैं काजू अंजीर ठीक से का, आप सब भी आज ये पीने के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।